आज अरुणाचल प्रदेश पुलिस विभाग के तहत पीड़ित कंपेंशनेट उम्मीदवारों ने आईजी पार्क के पास टेनिस कोर्ट में शांतिपूर्ण धरना किया। उम्मीदवारों ने विभाग से स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग की है। वे हाल ही में चयन प्रक्रिया के संचालन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग को 7 मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया। तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज से काफ़ी सारा आया है कंपेंशनेट ग्राउंड लोग। 2019 में जैसे पोस्ट को रिक्रूटमेंट किया गया था, 2024 में उसका तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, हुआ ही नहीं। हम लोग का साथ में फिजिकल वगैरह हम लोग को ऐसा सब दिया है, वो तो आप लोग पता ही है, ऑलरेडी देख रहा है। तो उस दिन भी हम लोग मीडिया में आया, तो हम लोग को जो होम डिपार्टमेंट का तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। मामा ने तुम जो हम लोग का और से नहीं बोल दिया, वो तो गवर्नमेंट का ही सपोर्ट में था। तो वो सब देख के हम लोग काफ़ी निराश हुआ। निराश होने के बाद अभी ऑप्शन तो नहीं है, हम लोग खुद से धरना वरना बैठ के फाइट नहीं करेगा तो ये प्रोसेस तो हम लोग आगे ले के जा रहा ही नहीं। तो उसी के चलते हमने हमारा काफ़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी एज के लोग हैं यहाँ पे, तो किसी का तो उम्र ही ख़त्म हो रहा है। इसके बाद बोलता है किसी को एज पे आउट कर दिया कि इसका ओवर एज हो गया, तो इसको दिन ही करने लगा भी तो गवर्नमेंट आप खुद ही है, तो ऐसा नहीं कर देना चाहिए। सबको जस्टिस मिलना चाहिए, हम सभी को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, तो हम लोग की बात को कोई सुन भी नहीं रहा है। हाँ, उस दिन पहले की बात है, अभी 1 महीना कुछ होने जा रहा है। हम लोग ने CM साहब को भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, फिर भी हम लोग ने उनके सेक्रेटरी ऑफिस में मिलने के लिए वो दिया था, हमने CM साहब को मिलने के लिए हम एप्लीकेशन वगैरह भी सबमिट किया था, फिर भी जो हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अभी घूम फिर के हम लोग का केस को कौन देख देगा? अरुणाचल गवर्नमेंट ही तो हम लोग को देखना पड़ेगा, क्या ना करेगा। तो ऐसा करके अभी देखिए, सबका तो उम्र भी जा रहा है डे बाई डे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट इंश्योरेंस देते जा रहा है कि देगा बोल के, हम सभी का लाइफ ही ख़राब हो रहा है एक हिसाब से, पूरा ख़राब हो रहा है। 1992 का कैंडिडेट भी है जो पहले मामी अप्लाई किया था, तो मामी अप्लाई करने के बाद मामी का एज ओवर हो गया, फिर बेटा ने अप्लाई किया, उनका भी एज ओवर हो गया। अरुणाचल गवर्नमेंट ये कर रहा है, बहुत माने हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है। हम लोग की मांग यही है कि 2019 से पोस्ट क्रिएशन 2019 से कंपेंशनेट ग्राउंड में पोस्ट नहीं मिला, किसी को दिया भी नहीं। तो हम लोग चाहता है कि पोस्ट क्रिएशन हो। इस बार पोस्ट निकला ओनली 35 पोस्ट, तो अब देखिए 450 कैंडिडेट और सिर्फ 35 पोस्ट। एक जूनियरली देखा जाने में तो ईयरली हम लोग कंपेंशनेट ग्राउंड के लिए एक अलग से रिजर्वेशन आता है सर्विस में, तो वो भी हम लोग को दिया नहीं। जब बामंग फ्लेक्स था उन्होंने तो कहा था हाँ 2 या 3 महीने का बाद आप लोग का रिक्वायरमेंट हम लोग फटाफट कर देंगे, फिर भी नहीं किया। ऐसे करा के माने हम लोग को ऐसे ही इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस देते जा रहे हैं, पर आगे कुछ भी नहीं कर रहा हम लोग। तो इसलिए हम लोग काफ़ी निराश है, बोले भी तो किसको बोले, कोई हम लोग आवाज़ भी नहीं सुन रहा। इसलिए मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा चीफ मिनिस्टर जी को मैं स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, आप कभी ग्राउंड में भी आके देखिए, रियलिटी को आप देखिए ना। हम लोग तकलीफ है, अभी किसको ना हम लोग बोलेगा। और जब भी अरुणाचल में कुछ भी बड़ा मुद्दा उठ जाता है तो आपको पब्लिक, हमेशा पब्लिक आप ही को बोलता है। तो सर मैं बताना चाहता हूँ इसलिए आपको बोलता है क्योंकि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का MLA को जो आप आया है बोल के पब्लिक लोग उसको सपोर्ट करता है, ना कि आप वहाँ में होना पड़ेगा बोल के, आप उसका जगह में है बोल के, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक आप ही को देख के उनको सपोर्ट करता है। तो ये तो मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ कि आपको, तो इनडायरेक्टली मैं बोलना नहीं चाहता, बस आप एक जजमेंट का हिसाब से मुख्यमंत्री होने की नाते आप हम लोग के बारे में भी थोड़ा सोच दीजिए। ये कंपनसेशन का बात कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं कि एवरी ईयर निकलता है, ये कई रूल भी है उनका? जी, कितना कोर्स निकलता है ईयरली? जो हम लोग को जो एक्चुअली ऐसा है APSSB का ओर से निकालता है, लेकिन रिजर्वेशन में जैसे 100 कोर्स आएगा तो हम लोग को 5% जो रिजर्वेशन में रख देते हैं। हम लोग जो मामा उनके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलने के लिए गया था कि हम लोग के साथ इनजस्टिस हुआ है सर, हम लोग को फिजिकल वगैरह ये सब दे लेंगे। हम लोग भी चाहता है 2019 में जैसे सिलेक्ट किया गया है ना उसी टाइप से हम लोग फिजिकली भी क्रॉस हो गया, मतलब पास हो चुका है जी। फिजिकल में आप देखिए, ये फिजिकल कोई लाख ही नहीं रहा है दे पाएगा,
तो ऐसे वहाँ पे रूल है कि आप लोगों को फिजिकल भी मतलब कोर्स करना है एग्जामिनेशन। ये रूल को रिसेंटली इन्होंने लागू किया। ओके, पहले नहीं था ये। कब कब इम्प्लीमेंट हुआ ये रूल? ये 2023 में हुआ, लास्ट ईयर। तो अभी आप लोग को मांग है कि जो रूल इम्प्लीमेंट किया है ना यहाँ, वो आपका ऊपर लागू नहीं होना। बेसिकली जो 1992 का भी एज है कि वो तो कम्प्लीट नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। तो अभी एग्जैक्टली वो पावर पॉइंट मांग क्या है आप लोग का? हम लोग का मांग बस यही है कि हम लोग के साथ में वो जो अभी जो रूल और रेगुलेशन हम लोग को फिजिकल टेस्ट वगैरह देने दे रहा है, तो इनको सकने से इनको जो हम लोग को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना, तो हर कोई तो नहीं कर पाएगा। और हम लोग तो अभी जो हम लोग का तो मेरा मिस्टर जो एक्सपायर हो गया वो 2008 का था, तो हम लोगों का तो कोई पेंशन वगैरह भी नहीं है। अभी लिवलीहुड के लिए कुछ छोड़ के भी नहीं गए। तो बहुत सारा पुलिस लोग जो है वो लोग पता है अपना किसान होता है। तो मेरा 3 बच्चा है, तो अभी जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा है। तो अभी हम लोग ये चाहते हैं कि अभी हम जैसे लास्ट टाइम जो वो हुआ था 26 को, उसमें भी आया था लेकिन हाइट में रिजेक्ट हो गया। तो ऑफ कोर्स हम लोगों का जगह का जो एरिया का जो हम लोग का हाइट होता है तो आप लोग पता ही है, वो हिली एरिया होने का कारण से हाइट बहुत कम होता है। तो आपको आप लोग मतलब सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को ये सब चीज़ के लिए लास्ट टाइम में जैसे कंपेंसेशन ग्राउंड में दिया गया है सभी को, ऐसे ही दें। तो हो सकता है कोई एजुकेशन में लैकनेस है, कोई हाइट में, फिजिकल में। तो हम लोग का डिमांड यही है कि जैसे पुराना में कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में कॉम्पेंसेशन ग्राउंड बोल के जो दिया जाता था वैसे ही दे। हाँ, मानता है जो कैपेबल नहीं है, जैसे बंदूक उठाने नहीं सकेगा या कि लॉन्ग वो करने नहीं सकेगा, ओवर एज हो चुका है, तो एग्री है हम लोग भी कि आप लोग सेलेक्ट करके उसको ये कीजिए। बट दोज जस्ट लाइक आस ना, जो हम लोग ये कैपेबल है, तो कैपेबल होते हुए भी जस्ट हाइट तो भगवान का देन है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो कंपेंसेशन ग्राउंड का हिसाब से हम लोगों को जैसे दया माया कंपेंसेशन जो ना, तो वो उसी हिसाब से हम लोगों को दें। तो बेसिकली यही बात बन जाता है कि अगर आप नया इम्प्लीमेंट करता है व्हेन वेयर यू हैव टू गो थ्रू योर यू नो फिजिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, तो कंपेंसेशन का बात ही नहीं बनता। उससे आता है कि आप जनरल ही कम्पीट कर लें बेसिकली। मतलब गवर्नमेंट का ये रूल आप लोगों का ऊपर ये इनजस्टिस कर रहा है। जी ऑफ कोर्स, हां दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग फॉर आवर जस्टिस। हम लोग बोला है जी कि हम लोग जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी आर डिमांडिंग आवर जस्टिस एज बिफोर दोस जो लोग मिला है कंपेंसेशन ग्राउंड में। सो वी ऑल्सो वॉन्ट आवर राइट एज सिमिलर जैसे पहले हुआ था। तो हम लोग ऐसे चाहते हैं। तो अभी देखिए बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट से ऐसा हो रहा है, हम लोग फ्राइडे से बैठा हुआ है यहाँ में, खर्चा पानी इतना तकलीफ है ईटानगर में कैपिटल में। देखिए यहाँ पे मेल से ज़्यादा फीमेल, जी मेल से फीमेल ज़्यादा है। ऑफ कोर्स, तो वही हम लोग बोलना चाहते हैं कि विडोज है हम लोग, बच्चा जन्म कर चुका है, हम लोग को फ्रेश का साथ में अगर कम्पीट कराएगा तो वो कैसे होगा? वो तो नहीं हो सकता है ना। हम लोग फ्रेश का साथ में अभी देखिए लास्ट टाइम नो फुट हाई जम्प दिया है, उसमें तो हम लोग नहीं कर सकेगा। तो ये तो कॉम्पेंसेशन ग्राउंड का तो कुछ नियम ही मतलब ही नहीं रह गया। तो हम लोग को फ्रेश का साथ में ऐसे कर रहे हैं, तो विडोज ही है ऑफकोर्स, हम लोग सब विडोज लोग ही आए हैं। तो विडोज लोग के लिए भी तो एक ऑप्शन होना चाहिए ना, कि अगर विडोज आए हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन। सरकार से यही अपील करना चाहता है, अभी हम लोग फुल्ली सरकार को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पाँव जोड़ के होने से कि सरकार को यही अपील करेगा, प्लीज़ सर ये जो PSC PET जो दिया था प्लीज़ सर उसको रिमूव कर दीजिए। प्लीज़ हम लोग को जैसे पहले में कंपेंसेशन ग्राउंड बोल के लास्ट टाइम 2019 में जितना भी वो लोग मेम्बर्स लोग हैं वो लोग शायद MLAs वगैरह लोग देखा होगा, बुरी बुरी आमा लोग को दिया है वो लोग, तो हम लोग क्यों नहीं, वाई डोंट वी डिजर्व? हाँ हम लोग कर सकता है। अब लोगों को तो इतना एज वाला तो ये बार वाला तो नहीं देखा होगा शायद, कर सकते। तो ऑफकोर्स हम लोगों को ना हो सके कि आपको नहीं लगता कि बंदूक उठाने लाएगा तो कोई कुछ दूसरा में दे दो ऑफकोर्स जिसमें हम लोग कैपेबल है। ये इशू को आप कब से उठा रहे मैम? ये इशू को तो दोस्त लोग तो फ्रेंड्स लोग पहले से उठा रहे हैं। ऑलमोस्ट कितना साल हो रहा है अभी इशू को लेके गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आने रहा है? गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स नहीं है अभी, एज वो भाई बोला जैसा कि 2019 से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है, तो वही 2019 का बाद में जितना है अभी लोग हम लोग हैंग होते जा रहे हैं। तो
कि एज ए कैंडिडेट हम लोग का नाम निकल चुका है लेकिन हम लोग पास आउट नहीं है, हम लोग को प्रेस का साथ में कम्पीट करा रहा है, ये सब तो इनजस्टिस है। वी डोंट एग्री विद दिस केस गवर्नमेंट, वी रिक्वेस्ट यू टू रिमूव दिस ऑल पीएससी एंड पीईटी दिस रूल, प्लीज रिमूव दिस ऑल। तो हम वही बोलना चाहते हैं आप, हम लोग का सबके तरफ से बोलना चाहते हैं वी ऑल विडोज, तो हम लोग अपना बच्चा को लेके दूसरा का साथ रख के आए हैं इतना दूर में, एटलीस्ट एक होप करके आए हैं कि हम लोग का जो डिमांड है, जो बात है वो ऊपर वाला तक पहुँचे ना। तो ये चीज़ को हम लोग बहुत साल से, अभी 2019 से हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं यहाँ वहाँ, तो बच्चा का साथ इवन टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता हम लोग को, और पार्ट टाइम करेगा बोलने से भी कितना करेगा, पार्ट टाइम करेगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, हम लोग वापस चला जाएगा, तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब हम लोग एक होप करके बैठे कि पति का जो नौकरी है वो हम लोग को मिलो बोल के ना, और हम लोग नहीं मिल रहे बोल के हम लोग इतना दुखी होकर बैठते हैं, और ऊपर से फिर हम लोग का साथ रिफ्रेश वाला को भी डाल देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए बोल के हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर वाला लोग से ना, जो गवर्नमेंट है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ में हम लोग विदोष लोग जितना भी आया है और आने वाला है, और भी आया नहीं है अभी तक, कोई आने वाला है, रास्ता में है, गाड़ी फंस के बैठा हुआ है कोई, तो वो लोग भी आने वाला है, लेकिन वो लोग का भी सबका एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ जो है हम लोग का साथ ना इंसाफी हो रहा है, तो ये चीज़ को हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं ना, तो वही बोलना चाहते हैं हम ऊपर वाला लोग से कि मतलब हम लोग का साथ, प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए और हम लोग का जो मांग है उसको पूरा कीजिए, उनको वही लोग बोलना चाहते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम वही लेडीज ही है, ओल्ड एज का भी है, थोड़ा यू नो कैपेबल भी नहीं आई मस्ट से, मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड की वो कॉन्स्टेबल के लिए एलिजिबल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका एज हो गया है, वो एनर्जी नहीं है। तो आपको क्या ये मांग है कि सभी को कॉन्स्टेबल ही देना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को कॉन्स्टेबल में, हम लोग का पति कॉन्स्टेबल में था या एसआई में था या ओसी में था बोल के हम लोग वही पोस्ट में चाहिए बोल के हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ इतना है कि एक स्वीपर होने से भी या फिर पियोन होने से भी आप लोग दे दीजिए ना, मतलब सीट तो होगा और ओबियसली होगा, क्यों नहीं होगा, हर स्टाफ में तो यह सब सीट तो होता है। तो हम लोग वही चाहते हैं कि आप लोग हम लोग को कॉन्स्टेबल में डालिए बोल के हम लोग नहीं बोलते, हम लोग को पियोन झाड़ू वाला होने से भी, धोबी वाला होने से भी, जो होने से भी आप लोग हम लोग को पोस्ट दे दीजिए, तो वही रिक्वेस्ट है।